अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए, अब जैसे ही तुम पासपोर्ट साथ गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा सर। टाइगर तुम्हारी तरह इडियट नहीं है। शिपमेंट इंडिया पहुंच गया? जायतुन ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। वो एक्सीडेंट में मारा गया। ऐसी घटिया टीम चुनी है तो इरादे तो नेक हो नहीं सकते। तुम लोगों की मौत आसमान से बरसेगी, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है। सिर्फ कैमरा पे ही बोलने की आदत है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि इमरान हाशमी फिल्म में विलन का किरदार निभाते नजर आएंगे, लेकिन खबरों की माने तो मूवी में हो सकती है ऋतिक रोशन की भी एंट्री। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो टाइगर 3 में ऋतिक रोशन को कास्ट करके एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सुपरस्टार्स को फिल्म का हिस्सा बनाएं। वेल, ऋतिक रोशन ने अभी तक मेकर्स के इस ऑफर पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऋतिक जल्द ही इस ऑफर के लिए हामी भर के टाइगर 3 को हमारे लिए और भी एक्साइटिंग बनाएं। बताते चलें कि हाल ही में सलमान खान की रशिया के शूटिंग सेट से एक फोटो लीक हुई जिसमें उनका टाइगर 3 के लिए पहला लुक रिवील हो चुका है। भाईजान ने मूवी के लिए अपना लुक इस हद तक बदल डाला है कि उनको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया जा सकता है। सलमान को फोटो में एक फुल्ली ग्रोन बियर्ड और स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी में रेड जैकेट और ब्लू कैप में देखा जा सकता है। ये फोटो एक कार चेजिंग सीक्वेंस के बीच में ली गई है जब सलमान खान कुछ स्टंट्स परफॉर्म कर रहे थे। वेल दोस्तों, क्या आप फिल्म में ऋतिक रोशन को देखना चाहते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, ऐसी ही और दिलचस्प गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।